हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे CUET PG 2022 का पेपर सॉल्यूशन। वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ फाइ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब एंड ए वेक्टर दे रखा है हमें एक्स जेड आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई के कैप, देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है कर्ल ऑफ फाइ ए वैक्टर की। ये हमें फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले फाइ और ए वैक्टर को डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं। फाइ डॉट ए, फाई हमारे पास में है एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब और ए वेक्टर हमारे पास में ये दे रखा है। ये हमारे पास में आ गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब हम करवा देंगे इसके ऊपर जब कर्ल लगेगा, कर्ल ऑफ फाई ये क्या हो जाएगा, आई जे के कैप डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई और डी बाई डी जेड, और जो आई के साथ कोफिशियंट है वो यहाँ लिख देंगे और जे वाला यहाँ पर और के वाला यहाँ पर, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आई के साथ करवाएंगे तो इन दोनों को लेना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में और इसका करना है जेड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, फोर एक्स की पावर फोर वाई जेड क्यूब और यहाँ पर माइनस ऑफ इसका होगा डिफरेंशिएशन जेड के साथ में, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, प्लस थ्री जेड स्क्वायर वाई क्यूब एक्स स्क्वायर आई कैप हो गया, फिर माइनस ऑफ जे के साथ वाला, तो इसको छोड़ेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका, तब हमारे पास में आ जाएगा माइनस, इसका करेंगे अपन z के साथ में डिफरेंशिएशन, फोर जेड क्यूब एक्स क्यूब वाई। अब k वाले कोफिशियंट का लेना है, तब k वाले को छोड़ के i और j वाले के करेंगे, इसका करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, तब माइनस टू एक्स वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस ऑफ, इसका करेंगे जब वाई के साथ में तो आ जाएगा एक्स क्यूब जेड की पावर फोर। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा देते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर माइनस पूरा कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा आ गया कर्ल ऑफ फाई ए वेक्टर। अब ऑप्शन से देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मैच हो रहा है इससे, तो जो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, क्योंकि देखो इसमें जो आई कैप के साथ में इसी से ही अपन देख सकते थे, क्योंकि बाकी सारे तो अलग ही हैं, फिर आई कैप ही अगर सेम आ रहा तो इसमें हमने आई कैप निकाला था फोर एक्स की पावर फोर वाई जेड क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई की पावर थ्री जेड स्क्वायर आयोटा, तो ये हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है जो कि मैच करा, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन ए दे रखा है द वेक्टर फील्ड वी, जो कि हमारे पास ये वेक्टर फील्ड वी दे रखा है इज अ सॉलिनॉइडल, और रीजन दे रखा है इफ़ डाइवर्जेंस ऑफ अ वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो देन द वेक्टर फील्ड वी इज अ सेट टू बी अ सॉलिनॉइडल। हम पहले देखते हैं सॉलिनॉइडल होता क्या है। सॉलिनॉइडल होता है डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर जो ये वी वेक्टर है वो हमारे पास में सॉलिनॉइडल होता है। तो जो हमारे पास में जो रीजन दे रखा है वो तो हमारे पास में करेक्ट है, क्योंकि सॉलिनॉइडल की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अब हम चेक करते हैं जो ए है वो सॉलिनॉइडल है या नहीं। हमें दे रखा फील्ड वी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस टू आई कैप माइनस ऑफ टू जे कैप प्लस एक्स वाई के क्या। अब हम इसका सॉलिनॉइडल निकालेंगे। सॉलिनॉइडल होता है डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर, हमारे पास में जीरो के बराबर आना चाहिए, और डाइवर्जेंस क्या होता है, आई कैप डी बाई डी एक्स प्लस जे कैप
डी बाई डी वाई प्लस के कैप डी बाई डी जेड, और जो हमें वी वेक्टर दे रखा है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस टू आई कैप माइनस ऑफ टू जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप। अब हम जिसको आई के कोफिशेंट वाले को आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे और वाई के साथ में, और जेड के वाले को के वाले के साथ में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस वन, क्योंकि देखो यहाँ पर तो जे मतलब वाई वाला है ही नहीं कोफिशेंट कोई, तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर कोई जेड वाला है ही नहीं तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास में आ रहा माइनस वन, माइनस वन है जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास में जो ए दे रखा है वो इनकरेक्ट है कि जो ये वी वेक्टर है वो सॉलिनोइडल नहीं है। तो हम देखेंगे कि ए हमारा फॉल्स है और आर है जो कि ट्रू है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछा जाता कि इरोटेशनल है या नहीं, इरोटेशनल क्या होता है, कर्ल ऑफ वी वेक्टर मींस डेल क्रॉस वी वेक्टर जो कि जीरो होता है तब हमारे पास में इरोटेशनल होता है, देन जो हमारे पास में ये वी वेक्टर है, वी वेक्टर इज अ इरोटेशनल। ये हो जाती है इरोटेशनल की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा हमें मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट दे रखे हमें ऑपरेटर ऑन अ फंक्शन और लिस्ट सेकेंड में हमें उसकी वैल्यूज दे रखी है। ए बी सी डी हमें चारों को अपन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डी ऑप्शन को, डाइवर्जेंस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस टू एक्स जेड जे कैप प्लस ई की पावर वाई जेड के कैप। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर क्या होता है, आई कैप डी बाई डी एक्स प्लस जे कैप डी बाई डी जेड प्लस के कैप डी बाई डी जेड, उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करवाना होता है वी वेक्टर का। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे आई वाले कोफिशियंट का तब हमें मिल जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अपन देखेंगे तो वाई का तो कोई है ही नहीं तो ये तो हमारे पास में जीरो बन जाएगा, प्लस अब इसका करेंगे जेड वाले के साथ तब हमारे पास में क्या आ जाएगा वाई ई की पावर वाई जेड, और ये हमारे पास में कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट में मिल रहा है तो डी, तो ये हमारा मैच हो रहा है डी वाला फर्स्ट से, डी वाला फर्स्ट से किस में, थर्ड ऑप्शन में ही हमारे पास में डी तो फर्स्ट। और चेक करते हैं अभी बी वाले को, चेक कर लेते कर्ल ऑफ जेड एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप। कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं अपन। कर्ल ऑफ वी वेक्टर होता है आई कैप जे कैप के कैप डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई और डी बाई डी जेड, आई वाला कोफिशिएंट यहाँ लिख देंगे और जे वाला यहाँ पर और के वाला यहाँ पर। कर्ल ऑफ वी वेक्टर को हम सॉल्व करते हैं आई कैप, आई कैप के साथ में हमारे पास इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास में जीरो माइनस जीरो ही मिलेगा, माइनस ऑफ जे कैप करेंगे तब जे वाले को छोड़कर आई और के वाले को सॉल्व करते हैं, तो इसका जब करेंगे जेड का एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन तो ये भी आ जाएगा जीरो, माइनस जब जेड का करेंगे डी बाई डी जेड के साथ में डिफ्रेंशिएशन तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के का करेंगे तब के को छोड़कर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास में कितना आ जाएगा जीरो, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी ये माइनस जीरो, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, और ये हमारे पास में कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, जो बी है हमारा वो फोर्थ ऑप्शन से मिल रहा है, बी फोर्थ में कौन सा है, डी हमारा फर्स्ट से हमने मैच करवा दिया और बी फोर्थ में, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा थर्ड ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। फिर भी हम और चेक करते हैं सारे ऑप्शंस को, तो हम चेक करते हैं ई ऑप्शन को, डाइवर्जेंस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, डाइवर्जेंस ऑफ फाई, फाई क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई इसको हम फाई मान लेते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ फाई आई कैप डी फाई बाई डी एक्स प्लस जे कैप डी फाई बाई डी वाई प्लस के कैप डी फाई बाई डी जेड, और हमें यहाँ पर फाई क्या दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर आई कैप डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस जे कैप डी बाई डी वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस के कैप डी बाई डी जेड एक्स वाई स्क्वायर, तो ये डी जेड ये तो हमारे पास में क्या जीरो बन गया,
और जब इसका करवाएंगे डिफ्रेंशिएशन करवाएंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर आई कैप प्लस जे ऑफ टू एक्स वाई। तो ये हमारे पास में आ गया डाइवर्जेंस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ये हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमारे पास में मैच कर रहा है थर्ड से, ये हमारा थर्ड से मैच कर गया। और अब हमें देखना है सी को, सी दे रखा हमें कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस एक्स वाई, तो ये तो हमारे पास में जीरो हो जाएगा, तो ये जो मैच करेगा सी वो सेकेंड से, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, ये दे रखा हमें इफ एफ वैक्टर इज अ वैक्टर फील्ड डेल एफ वैक्टर इज अ वैक्टर फील्ड। होता है हमारे पास में ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज अ वेक्टर, ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई, मीन्स कि ये स्केलर होगा और हमें जो मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा, और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इज अ स्केलर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, तो ये हमें स्केलर मिलेगा और ये वेक्टर होगा। और कर्ल में क्या होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर इज वेक्टर। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इफ एफ वेक्टर इज अ वेक्टर फील्ड एंड डेल एफ इज अ वेक्टर फील्ड, और ये हम जानते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास में स्केलर होता है तब वेक्टर मिलता है, तो ये हमारे पास ए है जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखते हैं कि इफ अ वेक्टर फील्ड एंड डेल क्रॉस एफ इज अ वेक्टर फील्ड, तो ये हमारे पास में है जो कि करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास में वेक्टर ही मिलेगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है सी इफ एफ वेक्टर इज अ कंजर्वेटिव एंड डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो, और डी दे रखा हमें कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस एफ इज नॉट अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस, कर्ल क्या होता है डेल क्रॉस डेल डॉट एफ वेक्टर, ये है हमारे पास में, तो ये तो हमारे पास में क्या होता है क्रॉस है, मतलब यहाँ तो वेक्टर हो रहा है और यहाँ पर स्केलर, तो ये कोई मीनिंगफुल एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारे पास तो डी ऑप्शन है जो कि भी हमारा करेक्ट है। और जो ई दे रखा हमें एफ वेक्टर इज अ कंजर्वेटिव ऑन अ सिंप्लीफाइड कनेक्टेड रीजन डी, देयर इज सम फंक्शन ऑन डी सच दैट डेल डॉट एफ इज इक्वल टू एफ वैक्टर, तो ये हमारे पास में है जो कि एक तरीके से कंजर्वेटिव वैक्टर की डेफिनेशन ही है, ई ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। इनकरेक्ट, अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं बी सी डी ई ओनली करेक्ट, तो हमारे पास जो ये वाला है वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास ओनली जो ए है वही इनकरेक्ट है, ये भी हमारे पास में करेक्ट होगा कि एफ वैक्टर इज अ डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो इज अ कंजर्वेटिव वैक्टर, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमें मतलब चार बातें ध्यान में रखनी है कि जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर हमें पास में क्या मिलता है वेक्टर, और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर हमारे पास में स्केलर मिलता है। और कर्ल ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर, कर्ल ऑफ स्केलर कभी हमें वेक्टर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वैल्यू ऑफ अ लाइन इंटीग्रल 6xy² - y³ dx प्लस 6x²y - 3xy² dy, हमें इस लाइन इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो पूरी वैल्यू को हम x में कन्वर्ट कर देंगे या पूरी वैल्यू को y में कन्वर्ट कर देंगे। और इसमें हम एक तरीके से देखें तो यहाँ पर dx और dy, ये हमें लग रहा है कि ग्रीन थ्योरम है, लेकिन इसमें ग्रीन थ्योरम है जो कि अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ग्रीन थ्योरम किस में अप्लाई होती है, जिसमें क्लोज्ड कर्व होता है, और ये हमारे पास में क्लोज्ड कर्व नहीं दे रखा है। अगर ऐसे तो ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, तो पता भी चलता है कि ग्रीन तो नहीं अप्लाई होगा यहाँ पर। तो हम इसको क्या करते हैं, हमें दे रखा है एक्स वाई कहाँ से कहाँ तक, 1 और 2 दे रखा है, तो यहाँ से अपन ये पूरी वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देते हैं y के अंदर, y इज इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से, और x इज इक्वल टू y माइनस 1, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू dy, तो ये हमारे पास में अब a की लिमिट में कन्वर्ट हो गया और पूरा है जो कि dy के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 से 4, क्योंकि y वाली आएगी ओनली, यहाँ पर 6, x की जगह पर हम पुट कर देंगे y माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब, यहाँ पर dx इज इक्वल टू किसके बराबर है, dy के बराबर प्लस 6, और x की जगह पर यहाँ पर भी पुट कर देंगे y माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3 वाई माइनस 1 वाई का स्क्वायर बार dy। अब हम इसको सिंप्लीफाई करवा देते हैं अंदर मल्टीप्लाई करवा के,
यहाँ तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, सिक्स वाई क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई प्लस, इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तब यहाँ पर बन जाएगा सिक्स वाई क्यूब प्लस सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ पर देखते हैं सिक्स वाई क्यूब सिक्स वाई क्यूब और यहाँ है माइनस थ्री वाई क्यूब, तो ये बन जाएगा हमारे पास में एट वाई क्यूब और माइनस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा माइनस फिफ्टीन वाई स्क्वायर प्लस प्लस सिक्स वाई डी वाई। अब इसका हम सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा एट वाई की पावर फोर बाई फोर माइनस फिफ्टीन वाई क्यूब बाई थ्री प्लस सिक्स वाई स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, ये लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक दे रखी है टू से फोर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार फोर पुट करेंगे माइनस कर देंगे फिर बाद में दूसरी बार टू पुट करेंगे, तो सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा टू वाई की पावर फोर और यहाँ आ जाएगा माइनस फाइव वाई की पावर थ्री प्लस थ्री वाई की पावर टू और लिमिट है हमारे पास टू से फोर। यहाँ पर वाई की वैल्यू एक बार फोर पुट कर देंगे हम और दूसरी बार माइनस ऑफ टू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू वाई की और फोर की पावर फोर टू फिफ्टी सिक्स माइनस फाइव क्रॉस वाई फोर की पावर थ्री सिक्सटी फोर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन मल्टीप्लाई थ्री पर क्या आ जाएगा सिक्सटीन मल्टीप्लाई थ्री फोर्टी एट माइनस, जब यहाँ पर टू पुट करेंगे तो ये हमारे पास में बन जाएगा थर्टी टू माइनस यहाँ एट मल्टीप्लाई फाइव ये बन जाएगा फोर्टी प्लस यहाँ बन जाएगा फोर मल्टीप्लाई थ्री ट्वेल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा पाँच सौ बारह माइनस तीन सौ बीस प्लस अड़तालीस माइनस फोर। तो जो इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास में 236, ये हमारे पास में कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में ये हमें दे रखा है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा।